Hey, नमस्ते भाई लोग, केमोस्टॉय से मैं दीपक नागमोती AKA चीकी चोकमर, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है चीकी गैजेट अनबॉक्सिंग के नए एपिसोड में। और आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं BenQ का गेमिंग मॉनिटर। जी हाँ गाइज, ये आज तक की हमारे चैनल की चीकी अनबॉक्सिंग सीरीज की सबसे बड़ी अनबॉक्सिंग है। तो बेसिकली आज हम लोग गेमिंग मॉनिटर को अनबॉक्स करने वाले हैं। बहुत दिनों से मैं गेमिंग मॉनिटर लेने की सोच रहा था, बट मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं कौन सा मॉडल लूं, बिकॉज देर आर मेनी गुड ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। बट फाइनली जाके मैंने ये BenQ का 144 हर्ट्ज का मॉनिटर मैंने सिलेक्ट किया है। मैंने ये मॉनिटर क्यों सिलेक्ट किया है, क्या वजह है ये मॉनिटर सिलेक्ट करने की, ये मैं आपको इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करते करते बताऊंगा। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये मॉनिटर का मॉडल एक्चुअल मॉडल नेम क्या है और इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो बेसिकली ये है BenQ का ZOWIE सीरीज का XL2411P 24 इंच 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का 1080p का फुल HD मॉनिटर। और गाइस, इसका रिस्पांस टाइम है 1ms का। यस गाइस, 1ms का रिस्पांस टाइम पे। और ये वही मॉनिटर है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी बड़े बड़े गेमिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, CSGO, पबजी, फोर्टनाइट, ओवरवॉच, उन सारे कॉम्पिटिशन में ज्यादातर के ये ही मॉनिटर यूज होता है। BenQ उनके ऑफिशियल पार्टनर्स होते हैं और इसी मॉनिटर पे सारी कॉम्पिटिशन की जाती है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बेहतरीन मॉनिटर ये मॉनिटर है। तो मैं आपको उसके और फायदे भी बताऊंगा कि इसमें कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कि एक गेमर के लिए फायदेमंद होती है जब वो मल्टीप्लेयर FPS गेम खेलता है। तो चलो गाइस, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग ऑन या लेट्स रोल द इंट्रो। तो चलो आप हमारे अनबॉक्सिंग नाइफ ग्रैब करते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। एक बार एक अनबॉक्स हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये मॉनिटर क्यों सिलेक्ट किया है। तो गाइस बने रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक, ताकि अगर आप मार्केट में कोई अच्छा मॉनिटर ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत 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 हेल्प करेगी आपका एक डिसीजन लेने में कि कौन सा मॉनिटर लेना है या कौन से मॉनिटर नहीं लेना है। तो चलो गाइस इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन की पैकेजिंग like 10 on 10, कभी भी आई डोंट थिंक कि आज तक अमेजोन ने मुझे कभी भी डिसअपॉइंट किया व्हेन इट कम्स टू द पैकेजिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, क्योंकि ये बहुत महंगा प्रोडक्ट है, इतना सस्ता नहीं है। इट्स नॉट अ एंट्री लेवल मॉनिटर गाइस, इट्स हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लेवल मॉनिटर है ये। तो उसके हिसाब से उन्होंने इसकी पैकिंग की हुई है ताकि इसको ट्रांजिट में कोई इशू ना हो। तो चलो गाइस इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं। हम हमारा बीस्ट मोड भी एक्टिवेट कर सकते हैं इस अनबॉक्सिंग के लिए, बट लेट्स नॉट डू दैट क्योंकि भाई 21,000 का मॉनिटर है, आई डोंट वांट टू डैमेज इट। ओके, नाइस, आई होप कि वीडियो सही से आ रहा है। बापरे, बहुत बड़ा बॉक्स है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई वॉज थिंकिंग फॉर 26 इंच मॉनिटर, बट गाइस मेरा अभी जो फिलहाल टेबल जो मैं यूज कर रहा हूँ कंप्यूटर वो बहुत छोटा है। जब मैंने 6th स्टैंडर्ड में बैक इन 1999 कुछ मैंने जब पहला डेस्कटॉप लिया था रोड रैश खेलने के लिए, उस टाइम पे मैंने ये कंप्यूटर टेबल बनवा लिया था। वही टेबल मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का टेबल है वो। उस टाइम पे चीजें भी अच्छी बनती थी, आजकल सब फर्जी चीजें मिलती है मार्केट में। तो ये है हमारे बबल रैप जिसको मैं मेरी बेटी को दूंगा खेलने के लिए, बिकॉज शी लव दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो या आई कीप दिस असाइड, बट इट्स गुड कि वो ये सब चीज़ें दे रहे ताकि ट्रांसपोर्ट में मॉनिटर को कोई भी डैमेज ना हो। तो कुडोस टू अमेजोन फॉर टेकिंग केयर ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, सो इस बॉक्स को निकालते हैं। ओ या, अब अमेज़न के बक्से का काम होगा, इसको हम साइड में रखते हैं। तो गाइस ये है एक्चुअल BenQ की तरफ से जो पैकेजिंग की गई है, ये वो बॉक्स है। आई होप कि आपको कैमरे में ठीक से दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है
BenQ का लोगो है, एक्सेल मॉनिटर फॉर ई स्पोर्ट्स। यस गाइस, जैसे मैंने कहा था कि सारे कॉम्पिटिशन में, ई स्पोर्ट कॉम्पिटिशन में इस मॉनिटर को यूज किया जाता है, तो बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी का मॉनिटर है XL2411P जो कि उसका मॉडल नेम है। ओके, यहाँ पे और ज्यादा कुछ नहीं है, ब्लैक फिनिशिंग है, ब्लैक कलर की फिनिशिंग है इसमें, और ये आउटलाइन दी हुई है मॉनिटर की, कैसे मॉनिटर है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं, बस उनका स्टिकर है और जब अमेज़न की तरफ से लगा हुआ उनका स्टैम्प, और सेम यहीं पे भी वही दिया हुआ उन्होंने, बाकी कुछ अलग चीजें मेंशन नहीं की हुई। इसके फीचर्स या जो भी इसकी इसमें जो ये स्मार्ट को बाकी मॉडल से जो अलग बनाता है, वो सारी चीजें उन्होंने बॉक्स पे तो मेंशन नहीं की हुई है जहां तक मैं देख रहा हूँ। एक्सेल कोई अलग स्पेनिश या कोई अलग लैंग्वेज में उन्होंने किया हुआ है, और नीचे देखते हैं नीचे क्या है, तो नीचे भी कुछ नहीं है, सो सिंपल बॉक्स है, नथिंग फैंसी, कुछ ऐसे ऐसा कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दिया हुआ है। ओके, ये आई थिंक ओके पैक पैक ही है, इसको किसी ने अभी तक खोला नहीं है, सो इट्स अ गुड थिंग। ओके, इसको कैसे निकालना है, ओके ये जस्ट एक ऊपर का रैप है आई गेस। ओके नाइस, अच्छा ऐसा ऐसा बॉक्स है, अलग टाइप की, लेट्स नॉट डैमेज गाइस, क्योंकि भावों में आदमी बह जाता है, स्पेशली मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ जब ऐसे अनबॉक्सिंग करता हूँ, या कोई भी मेरा मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट जब डिलीवर होता है तो, और उस चीज में मैंने पास में कुछ प्रोडक्ट को डैमेज भी किया हुआ है, बट अगेन थैंक्स टू अमेज़न उन्होंने मुझे रिप्लेसमेंट दी है। ओके गाइस, सो दिस इज द बॉक्स, इसको हमने अभी ओपन किया हुआ है, आई होप कि आप इसको देख पा रहे हो, यस सही से फोकस भी हो रहा है, सो क्रेडिट गोज टू कैनन 80D, कैनन इफ यू आर वॉचिंग यू कैन स्पॉन्सर, क्या मस्त जोक मारा, बट एनीवे ओके गाइस, दिस इज द पेपर वर्क, और इसमें उन्होंने सीडी भी दी हुई है। आई डोंट नो गाइस, लास्ट 5 साल से मैं अलग अलग प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और उसमें सीडी देते, बट अभी तक मैंने कभी भी सीडी यूज नहीं की हुई है, मुझे पता नहीं है क्यों देते हैं, इन्हीं आजकल सीडी रॉम भी तो नहीं होता है, कहाँ पे डालेंगे इसको। तो ये है इसके साथ सीडी, उसमें यूजर मैनुअल है, ड्राइवर्स दिए हुए हैं, बट आई थिंक सो आजकल सारी चीजें प्लग एंड प्ले होती है, विंडोज ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके उसके ड्राइवर्स अगर रिक्वायर्ड हो तो वो इंस्टॉल कर लेता है, तो हमें ये सीडी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको फेंका मत कीजिएगा, बैकअप के लिए रखा कीजिएगा क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और ये उसका नॉर्मल पेपर वर्क है, इसमें उन्होंने दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या नहीं है इसमें, तो मैं आपको ये बताऊंगा नहीं कुछ, ये मैं जब आपको अनबॉक्स करूंगा मॉनिटर तो मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें कौन कौन से पोर्ट दिए हुए हैं, डिस्प्ले पोर्ट है या ओके चलो मैं अभी बता देता हूँ। तो गाइस इसमें तीन डिस्प्ले पोर्ट्स है, तीन पोर्ट्स है बेसिकली डिस्प्ले के लिए, उसमें से एक है डी सब, दूसरा जो है DVI-D और थर्ड जो है वो HDMI है, तो डिस्प्ले पोर्ट बोलते हैं DVI-D को और तीसरे वाले को HDMI बोलते हैं। एक चीज है आपको नोट करनी है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता जब ये लोग मॉनिटर परचेस करते हैं, ये जो मॉनिटर है वो 144Hz का मॉनिटर है, बट अगर आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट अचीव करना है, आपको 144 का FPS अगर अचीव करना है, तो आपको डिस्प्ले पोर्ट से ही कनेक्ट करना होगा। अगर आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में अगर डिस्प्ले पोर्ट नहीं है तो आप 144Hz अचीव नहीं कर पाओगे, ये कहीं पे भी उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर आप HDMI से कनेक्ट करोगे इस मॉनिटर को आपके ग्राफिक्स कार्ड के साथ, तो आपको 144Hz नहीं मिलेंगे, आपको कुछ 120 तक ही FPS आपको मिलेंगे, 120Hz तक ही ये मॉनिटर सपोर्ट करेगा। सो आपको ये जो दिया हुआ है डिस्प्ले पोर्ट जो है डी सब, आपको उसको ही कनेक्ट करना है अगर आपको 144Hz अचीव लाइक चाहिए तो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लोगों को नहीं पता होती है, तो या कीप दिस थिंग इन माइंड गाइज, अगर आप इसको परचेज करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट से एक कन्वर्टर लाना पड़ेगा जो आपको HDMI टू डिस्प्ले पोर्ट में कन्वर्ट करता है। मैं आपको शायद थोड़ी देर में मैं आपको दिखा भी दूंगा कि डिस्प्ले पोर्ट डिस्प्ले केबल कैसी होती है, ठीक है आइडिया आ जाए कि क्या करना है। तो इन्हीं अगर इसको हम लोग बाजू में रखते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वारंटी कार्ड दिया हुआ है, आई थिंक इसके साथ 1 ईयर की वारंटी है, बट 99% केसेस में गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इस मॉनिटर में। मैंने रिव्यूज में देखा था तो कुछ लोगों को कुछ इश्यूज थे, बट आपको इजीली रिप्लेसमेंट मिल जाती है अमेजोन की तरफ से। ओके गाइस, तो तो ये HDMI केबल उन्होंने दी हुई है इस मॉनिटर के साथ, सो इट्स गुड गाइस कि ये लोग केबल देते हैं, क्योंकि चिंदी गिरी आजकल मार्केट में बहुत बड़ी हुई है, आप कितने भी महंगे प्रोडक्ट्स खरीदो बट आपको उसके साथ पोर्ट में वायर नहीं देंगे, केबल नहीं देंगे, बोलेंगे कि जाओ मार्केट से इसको स्पेशली खरीदो। तो इट्स गुड कि BenQ ने हमें HDMI केबल भी दी है जो कि मुझे चाहिए थी,
मैं प्लेस्टेशन को कनेक्ट करना है और प्लेस्टेशन को कनेक्ट करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा मॉनिटर चाहिए था, दैट्स व्हाई आई हैव परचेस दिस मॉनिटर एंड डेफिनेटली आई वाज प्लेइंग पबजी ऑन माय 16 इंच लैपटॉप स्क्रीन व्हिच आई वाज कीपिंग वेरी फार. तो अभी इससे मुझे बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि मेरे पास में ये 24 इंच का मॉनिटर रहेगा जिससे मेरा परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा होपफुली. ओके गाइस, ये उसका बेस है. इस पे हमें इस मॉनिटर को माउंट करना है तो बहुत हेवी है गाइस. बिल्ड क्वालिटी पता चलती है कि कितनी अच्छी है इस प्रोडक्ट की हाथ में लेते ही. इट गॉट सम वेट टू इट तो फील्स गुड गाइस, फील्स स्टडी विच इज अ गुड पार्ट. इसको साइड में रखते हैं, हमें असेंबली के टाइम इसकी जरूरत पड़ेगी. और क्या है इसके साथ, ओके ये पावर केबल है, नॉर्मल पावर केबल है. इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये इजी मैटर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है. इसको निकालते हैं अभी. ओ फक, ओके नाउ हियर इज द मॉनिटर बॉयज, हियर इज द मॉनिटर. ओ माय गॉड, क्या पैकेजिंग है यार, वेरी गुड गाइस, गुड जॉब, थैंक यू, गुड जॉब. ओके इसको उठाना कैसे है मुझे, ओके ये थोड़ा सा मुझे केयरफुल लेना पड़ेगा. ओके फाइन, ये हमने मॉनिटर को उठा दिया है और अभी इसमें बॉक्स में और कुछ नहीं है. यू कैन सी दिस, दिस इज नथिंग इनसाइड द बॉक्स. तो हम लोग इस बॉक्स को साइड में रखे ताकि आप मॉनिटर को सही से देख पाओगे. मेरे कैमरा को मत लगाना. गुड थ्रो बॉयज, गुड थ्रो. ओके सो ये है मॉनिटर, इसके ऊपर का कवर निकाल देते हैं. ओ नाइस, बढ़िया है. ओके गाइस, सो दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ आवर BenQ 144Hz गेमिंग मॉनिटर गाइस, दिस इज इट. यार इसको एक्चुअल में जब हम लोग हाथ में पकड़ते हैं तब इसकी क्वालिटी पता चलती है. नथिंग फैंसी गाइस, कुछ ज्यादा फैंसी नहीं है इसमें. जैसे कि एसुस रॉक सीरीज के जो गेमिंग मॉनिटर आते हैं जिसमें थिन बेजल्स आती है या फिर एलईडीज वगैरह आते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है. देखोगे तो इसमें आपको गेमिंग मॉनिटर का फील भी नहीं आएगा, बट बहुत हेवी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड यस इट रियली फील्स गुड इन हैंड गाइस. और ये जो है इसका आर्म है जहां पे हम लोग इसको माउंट करेंगे, वो पूरा 360 डिग्री रोटेट होता है. इस मॉनिटर को आप वर्टिकल भी लगा सकते हो, अगर आपको सिर्फ चैट रीड करने के लिए आपको सेकेंडरी मॉनिटर चाहिए तो आप उसको भी चैट रीड करने के लिए यूज कर सकते हो. और यहाँ पे सारे मूवमेंट्स है, ठीक है, आप उसको टिल कर सकते हो, स्विवल कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ऑल द एंगल्स यू कैन अचीव विद दिस मॉनिटर अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्टनेस. तो विच इज अ बेस्ट पार्ट. अगर आप ये देखते हो तो ये जो आर्म है ये देखो आगे पीछे होता है, रोटेट होता है, तो आई थिंक 360 डिग्री मूवमेंट है इसमें, तो विच इज गुड पार्ट. वन मोर थिंग, आप इसको हाइट भी इसकी एडजस्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये प्रेस करके हाइट भी एडजस्ट करनी है, बट अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि कैसे करना है. तो जब हम इसको माउंट करेंगे अपने ब्रेस पे तब जाके हम लोग इसकी हाइट एडजस्ट करेंगे. तो ओके गाइस, तो अभी मैं बताऊंगा कि इस मॉनिटर के सबसे अच्छे फीचर्स कौन से हैं. तो सबसे बेस्ट फीचर जो इस मॉनिटर का है और उनकी कंपनी भी इसको एडवर्टाइज करती है वो है ब्लैक स्टेबिलाइजर. ओके सो व्हाट ब्लैक स्टेबिलाइजर डज इज दैट कि जब भी आप पबजी फॉर एग्जांपल आप सैनॉक मैप में खेल रहे हो जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है शैडो, मतलब शैडो वाली जो बहुत पार्ट्स पे जहाँ पे बंदे कैम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इजीली उनको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है. ऐसी पोजीशन, ऐसी जो की जगह होती है वैसे पार्ट्स को ये जो मॉनिटर है वो ब्राइट कर देता है, ठीक है. तो आप शैडो में भी आप क्लियरली देख सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई कैम कर रहा है या कोई मूवमेंट हो रही है क्या वहां पे. बट जब ये करता है उस पर्टिकुलर पार्ट को ब्राइट करता है तब वो बाकी की जो पिक्चर होती है उसको ओवर एक्सपोज नहीं करता है, वो उसको वैसे के वैसे मेंटेन रखता है. दैट इज द बेस्ट फीचर ऑफ दिस मॉनिटर जो कि बहुत सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर को और कॉम्पिटेटिव जो भी पबजी खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं मल्टीप्लेयर, उनको बहुत फायदेमंद होता है. ये उसका फर्स्ट फीचर है. सेकेंड फीचर इसका जो है कि इसका 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम है, सबसे क्विक रिस्पॉन्स टाइम है. तो
जिसका आपको मल्टीप्लस गेम्स में एडवांटेज मिलेगा। बाद में 144 वर्ट्स का तो मैंने बताया कि रिफ्रेश रेट है। इसमें तीन डिस्प्ले केबल दी गई है जो कि बहुत हैंडी है हमारे लिए, अगर हमें दो तीन मशीन से इसको अगर कनेक्ट करना है तो। बाकी जो मैंने बताया कि इसका रोटेशन वगैरह रोटेट वगैरह होता है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी मैं एक बार उनका अमेजोन का पेज चेक कर लेता हूँ और अगर कोई फीचर हमारा अगर मिस हुआ है तो मैं आपको उसको बता दूंगा। बट आई डोंट थिंक अदर देन दिस इसमें कुछ हमारा मिस हुआ। फ्लूइड गेम प्ले भी तो स्मूथ एंड प्रिसाइज कंट्रोल लेते हो बच्चों की, हर कोई पहलता है उनके वेबसाइट पे। स्पॉट द एनिमी, जो मैं कह रहा था कि नेवर फॉल विक्टिम टू सम कॉवर्डली कैंपर इन अ डार्क कॉर्नर अगेन, ब्लैक इक्विलाइजर इंक्रीजेस द विजिबिलिटी इन अ डार्क सीन्स विदाउट ओवर एक्सपोजिंग द ब्राइट एरियाज, यू कैन ऑल्सो यूज इट टू फाइन ट्यून योर प्रीफर्ड ब्लैक बैलेंस अंडर लो ब्राइटनेस सेटिंग फॉर अ कंफर्ट व्यूइंग। तो ये जो फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ऑप्टिमाइज गेमिंग प्रोसीजर, ओके, और इसमें बहुत सारे मोड्स है, प्री डिफाइंड मोड्स है जो कि आप अपने गेम के हिसाब से उनको सेट कर सकते हो। कंफर्ट, लॉन्ग लास्टिंग, प्ले के मिनिमाइज विजुअल डिस्ट्रैक्शंस एंड ब्ला 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 ब्ला, ये सब चीजें दी है। तो या गाइस और कुछ नहीं, और बाकी हो भी कह सकता है मॉनिटर में। हाँ, इसमें ना कि जी सिंक है, ये जी सिंक एनेबल नहीं है क्योंकि आपको 21,000 में जी सिंक एनेबल मॉनिटर नहीं मिलेगा, ना कि ये फ्री सिंक एनेबल्ड है। तो AMD अगर आप यूजर हो तो भी आपको कुछ काम में नहीं आएगा। बट आई डोंट थिंक कि अगर आप 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अगर अचीव कर सकते हो, आपके ग्राफिक्स कार्ड में उतनी कैपेबिलिटी है, तो आपको जी सिंक की जरूरत है। जी सिंक आपको तभी काम में आता है जब आपके पास ज्यादा हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है जो कि आपको 100-120 FPS नहीं दिला सकता है, बट यू हैव अ मॉनिटर विच इज कैपेबल ऑफ 144 FPS। तो जब ये डिफरेंस ज्यादा होता है बिटवीन योर ग्राफिक्स कार्ड एंड योर डिस्प्ले, उस टाइम पे जी सिंक कम्स इनटू द पिक्चर, जो कि वो जो स्क्रीन टियरिंग होती है, जो फ्लक्चुएशन होता है पिक्सल फ्लक्चुएशन, उसको वो कम करता है, वो जो ट्रांजिशन होता है वो स्मूथ करवाता है, ये जी सिंक का काम होता है। बट योर ग्राफिक्स कार्ड इज कैपेबल इनफ टू पुश द FPS टू द 144, आई डोंट थिंक कि आपको कोई जरूरत है जी सिंक की या फ्री सिंक की। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरे गेमिंग एक्सपीरियंस से मुझे पता चला है। बाकी इट्स योर चॉइस वेदर टू गो फॉर जीसिंग ऑर नॉट, बट जीसिंग एनेबल्ड मॉनिटर्स बहुत ज्यादा महंगे गाइस। तो ये एक चीज है। और दूसरी, हाँ, और एक चीज जो मुझे इस मॉनिटर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है वो है कि इसमें वेसा माउंट पॉइंट्स नहीं है। वेसा माउंट मतलब आपको अगर इसको वॉल माउंट करना है, जो वेसा के जो आर्म्स आते हैं जिसे आप रोटेट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, वो वेसा माउंट्स इस लैपटॉप में नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि 11,000-10,000 के मॉनिटर्स में भी वैसा अमाउंट आते हैं। तो दैट्स द लाइक वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस मॉनिटर। अगर आपका रिक्वायरमेंट ये है कि आपको वॉल माउंट करना है या फिर फ्यूचर में जाके आपको उसको वॉल पे लगाना है, तो गाइस डोंट परचेज दिस मॉनिटर, गो फॉर सम अदर मॉनिटर जो कि इसके कॉम्पिटिशन में आते हैं और जिनको वैसा अमाउंट दिया गया है। तो ये मेरा मुझे एक चीज जो मुझे बहुत खली कि मुझे वो चाहिए था वैसा अमाउंट, क्योंकि आई वॉज प्लानिंग टू माउंट माई मॉनिटर्स टू द वॉल इन फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर, बट शायद ये मैं नहीं कर पाऊंगा। बट चलो कोई नहीं, देखते हम लोग कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे बॉटम में इसके उन्होंने बटन्स दिए हुए हैं और बटन्स के यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि किसके लिए कौन सा बटन है, बस पावर के बटन के ऊपर उन्होंने सिंबल दिया हुआ है तो पता चलता है कि वो पावर का बटन है। पीछे और कुछ नहीं गाइस, पीछे माउंट के अलावा ओके। और ये है पोर्ट्स गाइस इसके, जो मैं बता रहा था, शायद अब जूम अभी मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कैमरा मेरे से बहुत दूर है, बट शायद आपको दिख रहे होंगे। ये तीन पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे ये है HDMI पोर्ट है जो कि राइट हैंड साइड पे है, बाद में यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे वो है डिस्प्ले पोर्ट है, और बीच की जो पोर्ट है वो है DVI-D पोर्ट, ठीक है। तो मैं जो आपको कह रहा था कि अगर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अचीव करना है, आपके ग्राफिक्स कार्ड को आपके जो भी डेस्कटॉप है लैपटॉप है उसमें आपको डिस्प्ले पोर्ट होना चाहिए, आपको इस मॉनिटर को डिस्प्ले पोर्ट से ही कनेक्ट करना है, अदरवाइज आप 144 FPS या 144 हर्ट्ज की फंक्शनैलिटी जो भी इसका फीचर है वो यूज नहीं कर पाओगे। तो दिस इज इट गाइज, और कुछ बताने जैसा नहीं है। डेफिनेटली मैं इसका रिव्यू आपको बहुत जल्दी दूंगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस मॉनिटर को लेके, बेहतर मुझे अच्छा लगा नहीं लगा, मेरी गेमिंग में कुछ इंप्रूवमेंट आई है। बेसिकली आपके स्किल्स ज्यादा मैटर करते हैं, बट दीज थिंग्स ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस इन योर गेम प्ले, क्योंकि इनके जो फीचर्स है वो सर्टनली आपके गेमिंग को इंप्रूव करते हैं। तो चलो गाइस, दैट्स ऑल टुडेस अनबॉक्सिंग। आई होप कि आपको ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मॉनिटर अच्छा लगा है और अगर आप इसको परचेस करने की सोच रहे हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी एफिलिएट लिंक मिलेगी गाइस। अगर आप उस एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके अगर इसको परचेस करोगे तो हमारे चैनल को छोटी सी हेल्प हो जाएगी। तो गाइस जरूर चेक कीजिएगा इस मॉनिटर को, और अच्छा लगे तो जरूर हमारे एफिलिएट लिंक से परचेस कीजिएगा। तो आप सबसे मुलाकात होगी अगले चिक्कीज अनबॉक्सिंग वीडियो में। टिल देन कीप गेमिंग एंड कीप स्माइलिंग गाइस, खेलते रहिए और हंसते रहिए। Bye-bye.